वेलकम बैक माय वीडियो। सभी बच्चों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक, देखो माना प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा पद 16 है, जिसे मैं कह सकता हूं ए प्लस 2d इज इक्वल टू 16। ये बन गई क्वेश्चन फर्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक बच्चों, जैसे लिख सकता हूँ ए प्लस 6d इज इक्वल टू ए प्लस 4d इज इक्वल प्लस के 12। तो ए से ए खत्म हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको, ये 6d और ये प्लस का जरा क्या जाएगा माइनस का 4d इज इक्वल टू 12। ठीक, तो देखो यहाँ कितने बचेंगे 2d इज इक्वल टू 12। तो डी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 6। ठीक है, डी बराबर आएगा 6। तो डी का मान था कौन सा समीकरण फर्स्ट में, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक, तो डी का मान क्या है समीकरण फर्स्ट में रख दो तो कितना जाएगा ए प्लस 2 × 6 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ कितना आएगा ए प्लस, ये कितना देंगे 2 × 6 = 12, इधर जाकर कैसे जाएगा माइनस का, तो यहाँ कितना लिख सकता हूँ 16 माइनस के 12। तो ए का मान कितना जाएगा यहाँ से 16 में से जब 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4। तो ए का मान आ गया आपका 4। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन कह रहा है वह समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है हमें। ठीक, इधर देखते हैं, तो अतः समांतर श्रेणी के लिए पहले पहला पद निकालते हैं। तो ए वन क्या हो जाएगा, ए का मान निकाला कितना आया था 4। ठीक, उसके बाद दूसरा पद क्या हो जाएगा ए प्लस डी। ठीक, तो ए का मान कितना 4 और डी का मान हमारे पास 6, तो 6 × 4 कितने हो गए 10। इसी प्रकार A3 निकालते, तो A3 क्या हो जाएगा A प्लस 2D, तो A का मान कितना है 4 प्लस के 2 × 6, तो कितना जाएगा यहाँ पर देखो 4 प्लस के 6 तो नहीं 12, 12 × 4 कितने हो गए ये 16। ठीक, तो समांतर श्रेणी क्या बनकर आ गई, AP 4 10 और 16। ठीक, आंसर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में। समांतर श्रेणी 3, 8, 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, देखो श्रेणी क्या दे रखी है हमें, पहले इसने श्रेणी दे रखी है हमें इसके अंदर 3, 8 और 13 और लास्ट पद क्या दे रखा है हमें इसने 253। ठीक है, तो ये अंतिम इन्हें ए बराबर कितना जाएगा 3 और डी बराबर A2 - A1, तो 8 - 3 तो कितने बचेंगे 5। ठीक, और हमें अंतिम पद रखना है कितना 253। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होगा, L बराबर A प्लस के N माइनस का 1 × D। L का मान कितना है 253 इज इक्वल टू, यहाँ A का मान कितना हमारे पास, A का मान है 3 प्लस के N माइनस का 1 × D, का मान हमारे पास कितना है 5। यहाँ कितना आएगा 253 इज इक्वल टू 3 प्लस के, यहाँ कितना जाएगा 5n - 5। ठीक, तो कितने बचेंगे यहाँ पर 253 इज इक्वल टू 5n, 5 में से जो 3 जाएगा कितने बचेंगे 2 - के, इधर कैसे हो जाएगा प्लस का, तो 253 ठीक प्लस के 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 5n, तो 5n बराबर कितना जाएगा यहाँ पर 253 2 जोड़ दो कितना जाएगा 255, तो एन बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 255 और बटे में 5। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में हो जाएगा, इससे से काटो तो कितना जाएगा एन का मान 51। ठीक, अब देखो आगे बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके आगे क्वेश्चन कह रहा है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। देखो बच्चों ये प्रारंभ में होगा पहला पद इसका और ये होगा लास्ट का पद कौन सा 51वां पद। ठीक, तो क्या करा अंतिम पद से 20वां पद, तो 20वां पद हमने माना यहाँ होगा इसका। ठीक है, जैसे ठीक 20वां पद यहाँ होगा, तो शुरू में कितने पद बचे होंगे 31 पद बचे होंगे। ठीक, अगर इसे इधर से गिना 31 पे ये हो गए, ये कौन सा 20वां पद, तो ये कौन सा पहले 32वां नंबर पाया, कौन सा आएगा 32वां पद, क्यों देखो ध्यान से, 1 पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे गिनते हो कहां पहुंचेंगे 31वां पद यहाँ होगा, तो इसके बाद कौन सा पड़ेगा 32वां पद आएगा ये। ठीक, अगर प्रारंभ से गिना है तो हमें कौन सा निकालना है अंतिम पद से 20वां पद, अतः
एपी के अंतिम अंतिम से बीसवा पद इसी कर तो क्या होएगा एपी के प्रारंभ से। देखो क्या कर दूं मैं, 51 माइनस का 20 और प्लस 1, ठीक। प्लस 1 क्यों करा है वा पद, देखो बच्चों प्लस 1 क्यों करा, क्योंकि ये 31 यहां पर रहेगा और 1 ये 20 वा पद जो है 32 नंबर पाएगा, तो कितना आ गया यहां पर एपी का कौन सा पद आ गया 32 वा पद, ठीक 32 वा पद। तो क्या लिख सकता हूं 32 वा पद का फॉर्मूला, ए प्लस के 31 डी। ए का मान कितना हमारे पास, ए का मान हमारे पास 3 और डी का मान कितना है 5। बच्चों ए का मान कितना हमारे पास 3 है, प्लस के 31 इंटू डी का मान कितना है 5, तो इसकी गुणा कर लो 3 प्लस के 5 एकम 5 और 5 दिया 15, तो 155 में 3 जोड़ दो कितना जाएंगे 158 आंसर। तो अंत से 20 पद कितना अंतिम, अंतिम 20 पद क्या है 158 था, ठीक है बच्चों। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। 18 किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है और छठे और दसवें पदों का योग 44 है, इस समांतर श्रेणी के प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। देखो माना प्रथम पद ए और सार्वांतर क्या है डी है, ठीक। आप देखो क्वेश्चन ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है चौथे और आठवें पदों का योग क्या है 24, चौथे और आठवें पदों का योग क्या है 24, ठीक। तो ऐसा क्या लिखूंगा मैं a प्लस 3d, ऐसे लिखूंगा a प्लस 7d इजिकल टू 24, तो यहां कितना हो गया 2a प्लस के, ठीक है। 7 और 3 कितने हो गए 10d इजिकल टू कितना जाएगा यहां पर 24, 2 से 2 के लिए इसमें से कॉमन ले लूं मैं, 2 ले लूंगा कॉमन, तो कितना आएगा a प्लस के 5d और इजिकल 24, तो 2 ये गुणा में है मल्टीप्लाई में लगता क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो a प्लस के 5d बराबर कितना जाएगा 12, ये बन गया क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कहा ध्यान से पढ़ो, छठे और दसवें पद का योग क्या 44, छठे और दसवें पद का योग बता रहा है क्या 44, ठीक है बच्चों। देखो इसे क्या लिखूंगा मैं a प्लस 5d और इसे लिखूंगा मैं a प्लस 9d इजिकल टू 44, तो ये कितना हो गए ये 2a हो जाएंगे और ये कितना जाएंगे 9 और 5 74d इजिकल टू कितना जाएगा यहाँ पर 44, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना आएगा a प्लस 7d इजिकल टू कितना जाएगा यहाँ पर 44, तो ये मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में, तो 2 से 44 को 72 होता कितना आएगा 22, ठीक 22। अब देखो ये बन गई इक्वेशन कौन सी सेकंड। अब देखते हैं बच्चों इधर समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर तो a प्लस के 5d बराबर कितना गया 12 और a प्लस के 7d इजिकल टू कितना गया 22, तो यहां होगा माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक। तो ए से ये खत्म हो गया, यहाँ कितने बचेंगे 7 में से 5 गए तो कितने माइनस के 2d, क्यों क्योंकि बड़ी संख्या है 7, तो यहाँ कितने बचेंगे 22 में से 12 घटाओ तो कितने बचेंगे 10, ठीक है। चिन्ह किसका आएगा एक मिनट, माइनस के 10 बचेंगे, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये कितना आएगा ये मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में, तो डी बराबर कितना जाएगा 10 अपॉन में 2, तो डी का मान कितना आ गया 5, ठीक। क्वेश्चन पूछ के रहा बच्चों हमसे, क्वेश्चन पूछ रहा था समांतर श्रेणी के प्रथम तीन पद ज्ञात करने हैं हमें, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे बच्चों, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट तो कितना जाएगा a प्लस के 5 इंटू में, डी का मान क्या आया था 5 इजिकल टू 12, तो कितना आएगा a प्लस 5 जब 25 इजिकल टू 12, तो a बराबर कितना 12 माइनस के 25, क्यों ये प्लस का दर्जा कैसे जाएगा माइनस का, तो a बराबर कितने बचेंगे यहाँ पर 5 में से 2 गए 3 बचे और यहाँ बचा 13, ठीक है। a का मान कितना आ गया 13 आ गया। हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इसके समांतर श्रेणी के प्रथम तीन पद, तो ap के तीन पद तो कैसे निकालेंगे, देखो a1 बराबर क्या होता है a के, तो कितना आ गया पहला पद 13 आ जाएगा, ठीक। और a2 क्या होगा a प्लस 2d,
तो ए का मान कितना हमारे पास, ए का वैल्यू आई हमारे पास 13 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना 5, तो 13 प्लस के 5 10 जुड़े कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पूरे 23। ठीक इसी प्रकार तो तीसरा पद, तो ए प्लस कितना जाएगा 3d। ठीक तो ए का मान कितना हमारे पास 13 प्लस 3 इंटू में डी का मान कितना है 5, तो 13 प्लस के 5 दिया कितने हो गए 15 और ये कितने हो गए पूरे जुड़ के 28। ठीक है तो तीन पद क्या हो गए, अतः एपी के तीन पद हो जाएंगे आपके कौन कौन से 13, फिर उसके बाद 23, उसके बाद 28। ठीक है बच्चों आंसर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 19 शोभा राव ने 1995 में 5,000 रुपए की मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रतिवर्ष 200 रुपए के वेतन वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। बच्चों ध्यान देना क्वेश्चन को, ये हमें दे रखा है यू करा मासिक वेतन को बोलते हैं ए, तो ये ए का मान है पहले कितना 5,000, ठीक है रुपए 5,000 रुपए दे रखे हैं इसमें, क्या है आपको होगा ये ए का मान। आगे क्वेश्चन क्या करा प्रारंभ करने पर यू करा देखो प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि होती है, ठीक है तो ये किसका मान है डी का मान 200 रुपए। इसके आगे करा है किस वर्ष में, इसको मतलब एन का मान निकालना उसका वेतन कितना 7,000 रुपए हो जाए, इसका मतलब ये दे रखा ए एन का मान दे रहा है कितना आपको 7,000 रुपए। ठीक देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, एन का मान पूछ रहा है एन कितने वर्ष में। ठीक तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस के एन एन माइनस का वन इंटू में डी, एन का मान कितना हमारे पास 7,000 और ए का मान कितना 5,000 प्लस के एन माइनस का वन, डी का मान कितना हमारे पास 200। ठीक इसकी मल्टीप्लाई कर दो आगे तो 5,000 प्लस तो कितना जाएगा यहाँ पर 200 एन माइनस का 200। ठीक है देखो यहाँ पर 7,000 यहाँ आ जाएगा 200 एन, जब 5,000 में 200 एन कितने बचेंगे प्लस के 4,800। ठीक है ये प्लस का जाएगा कैसे हो जाएगा माइनस का, तो 7,000 माइनस के 4,800 200 एन, इसे घटाओ देगा बच्चों 7,000 में से कितना घटाना है हमें 4,800 घटाना था 0 0, यहाँ कितने बचेंगे 2 और यहाँ बचा 6 में से 4 कितने बचेंगे 2, तो कितने बच रहे हैं 2,200 इजिकल टू कितना आ गया यहाँ पर 200 एन, तो एन ये मल्टीप्लाई में था कैसे होगा डिवाइड में, तो कितना आ गया यहाँ पर 2,200 बटे 200, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से काट दो, तो एन का मान कितना जाएगा 11 आ गया। ठीक है तो देखो आगे अतः 11वें वर्ष में शोभा राव का वेतन कितना हो जाएगा 7,000 रुपए हो जाएगा। आंसर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। रामकली ने किस वर्ष में प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपने साप्ताहिक बचत 1.75 रुपए बढ़ाती गई, यदि एन वे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपए हो जाती है तो एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों प्रथम सप्ताह मतलब क्या होता है प्रथम पद, तो ये प्रथम सप्ताह दे रखे किसका मान दे रखा है आपको ए का मान दे रखा है। ठीक है कितने रुपए है 5 रुपए। आगे देखो उसके बाद कह रहा है साप्ताहिक बचत में कितनी, तो ये डी का मान है बढ़त कितनी हुई है 1.75 रुपए। आगे दे रखा है आपको कितना उसकी साप्ताहिक बचत कितने रुपए इतने रुपए, यहां ये दे रखा है आपको ए एन, ए एन का मान कितना है 20.75 रुपए। ठीक है आगे क्या पूछ रहा हम एन का मान हमें ज्ञात करवा रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस का वन इंटू में डी, ए एन का मान कितना है 20.75 रुपए, ए का मान 5 और एन का मान हमें ज्ञात करना है और डी का मान कितना है 1.75। ठीक है तो 20.75 रुपए इज इक्वल टू 5 प्लस के यहाँ कितना जाएगा, यह आ जाएगा आपका 1.75 और इंटू में एन इसमें करेंगे माइनस का 1.75। ठीक है देखो बच्चो ये प्लस का है, ये प्लस का है 5 और ये माइनस का है, तो इसे घटाएंगे कितना बचेगा 20.75 इज इक्वल टू 1.75
1.75n, यहाँ बचेंगे आपके प्लस के, कितने बचेंगे देखो, हमें कितने घटाना, 5 में से घटाना है, कितना 1.75, तो इसके आगे 0 लगा, 2 0 लगा लो, ठीक है, घटाना ध्यान से देखो, तो कितने बचे 5, यहाँ से कैसे 10 में से जब 5 गए तो 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में 7 गए तो 2, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गए तो कितने बचेंगे 3, तो कितने बच गए हैं 3.25, ठीक है, बड़ी संख्या प्लस की थी इसलिए प्लस का, ये जरा कैसे जाएगा माइनस का, तो 20.75, ठीक है 20.75 माइनस का 3.25 इज इक्वल टू कितना आएगा 1.75n, तो इसमें से घटा दो, कितने घटाने हैं हमें 20.75 में से हमें घटाने हैं 3.25, पॉइंट से पॉइंट लगाते, ठीक है 5 से 5 के 0 और 7 में से जब 2 जाएंगे तो 5 बचेंगे, पॉइंट लगा लिया, यहां 10 में से 3 के 7 तो कितना आ गया 17.50 इज इक्वल टू यहां रहा 1.75n, तो ये मल्टीप्लाई में कैसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई में देता कैसे हो जाएगा डिवाइड में, तो n बराबर कितना जाएगा 17.50 अपॉन में 1.75, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, क्यों, क्योंकि दो संख्या थी, इससे से काटो कितना कट जाएगा n का मान, n का मान आगे 10, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ देखो, अतः 10वें वर्ष में रामकली की साप्ताहिक वेतन 20.75 रुपये हो जाएगा, ठीक है, आंसर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बच्चों अब हम नए लेक्चर में नए एक्सरसाइज मिलते हैं, थैंक यू।